फ्रेंड्स नमस्ते, मैं मगराज बिल स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल मैकेनिकल मगराज। फ्रेंड्स आपने मेरे वीडियो देखे, लाइक किए, शेयर किए, ढेरों कमेंट किए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है रिवॉल्विंग सेंटर रिपेयरिंग। रिवॉल्विंग सेंटर का उपयोग लेथ मशीन के टेल स्टॉक में लगे स्लीव में फिट करके लंबे जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। रिवॉल्विंग सेंटर की ड्राइंग कुछ इस प्रकार होती है। एक स्पेशल बॉडी बनी होती है, बॉडी के अंदर दो बैरिंग फिट होते हैं, बैरिंगों में एक सेंटर पॉइंट फिट होता है और उसके आगे की कैप लगी होती है ताकि डस्ट वगैरह अंदर ना जा सके। दोस्तों ये एक रिवॉल्विंग सेंटर है, इसका ये सेंटर पॉइंट बहुत हार्ड चल रहा है। अब ये पता नहीं बैरिंग ख़राब है या ग्रीस सूख गया है या अंदर जंग खा गया है, अब वो खोलने पे पता चलेगा। ये रिवॉल्विंग सेंटर की बॉडी में एक हॉल है जिसमें एलिंग की स्क्रू कसा हुआ है, ये ग्रीस देने के काम आता है। ये ऊपर कैप लगी हुई है जो इसको सेफ रखती है बैरिंग को, ताकि इसके अंदर डस्ट है या चिप्स वगैरह इसके अंदर ना जा सके। तो इसको हल्का सा इसमें चूड़ी थ्रेड है ताकि इसको हम खोल सकें। ये खुल गया है, ये खुल गया, ये चूड़ी घुमा दी, ये खुल गया। इसमें ग्रीस भी सूख गया, कुछ सूखा हुआ ग्रीस निकल रहा है अंदर से। ये बहुत टाइट चल रहा है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, ये मूवमेंट ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। ये देखिए, अब इसके पीछे जो हॉल है, अगर ये हॉल बंद ना होता तो अपन इसको पीछे से पतली रॉड से मारते तो शायद ये बाहर निकल जाता, टिप बाहर निकल जाता, पर पीछे ये सुराख बंद है इसलिए निकल नहीं पाएगा। तो इसलिए अपने को इस वाइस में इसको आगे से पॉइंट को पकड़ेंगे, इस पॉइंट को पकड़ लिया, अब हल्की चोट से इसको बॉडी को बाहर निकालेंगे। बॉडी को ठोक दिया, ये बाहर आ गया, ये देखिए बाहर आ गया। इसके अंदर भी ये ग्रीस काफ़ी सूखा हुआ ग्रीस है, ये काफ़ी पुराना सूखा हुआ ग्रीस है, और ये टिप अलग हो गया। टिप में एक टेपर रोलर बैरिंग लगा हुआ है, चलो इस बैरिंग को अपन बाहर निकाल देते हैं। इसको उल्टा पकड़ के हल्की हल्की चोट ऊपर मारेंगे, कुछ चीज ले लेंगे हाथ में, और ये धीरे धीरे हल्की चोट से ये बाहर आ गया, ये बैरिंग आ गया बाहर, ये बैरिंग आ गई। ये तो बिल्कुल टिप तो सही है, बिल्कुल टिप में कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल सही है। ग्रिस से थोड़ा इसकी बॉडी और बैरिंग को अपन साफ कर देंगे इस केरोसिन से इस बॉडी को भी धो देंगे, कुछ साफ कर देंगे। अगर जो ग्रिस वगैरह जो सूखा हुआ पड़ा है वो भी बाहर निकल जाएगा और बैरिंग भी साफ हो जाएंगे, ताकि इसकी कंडीशन पता चले बैरिंग की क्या हालत है। ये देखिए एक बॉल बैरिंग अंदर है और ये टेपर रोलर बैरिंग है, इसको भी साफ करते हैं, इसको ठोक इसकी जाली अलग करते हैं ताकि अपने को इसकी कौन किस हालत पता चल सके, कौन किस हालत में है। कौन तो बहुत ख़राब है, इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस पर जगह जगह खड्डे पड़ चुके हैं, ये देखिए कि गहरे गहरे खड्डे हैं, इसीलिए इतना टाइट चल रहा था और जॉब में भी वाइब्रेशन आती है इसकी वजह से। हाँ, कई बार इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाती है जॉब में,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। वाइब्रेशन आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है सेंटर का बेयरिंग ख़राब हो। तो अब ये देखिए अंदर से बॉडी, ये ऊपर वल्टे पर जो रोलर की बेयरिंग की कौन है, और नीचे ये बॉल बेयरिंग लगा हुआ है। अब इसको हम बाहर निकालनी पड़ेगी दोनों बेयरिंग, ये कॉर्ड भी बाहर निकालनी पड़ेगी और नीचे वाला बेयरिंग है बॉल बेयरिंग वो भी निकालना पड़ेगा। तो अपने पास क्या है, इसका वो है नहीं निकालने का पुलर अपने पास है नहीं, इसलिए इसको अपन कुछ ऐसा वेल्ड करके ही निकालेंगे। तो ये दो चार टैंक लगा देंगे हल्के हल्के, ज़्यादा भारी भी नहीं, और दो चार टैग लगा के अपन इसको वाइस में पकड़ के आराम से निकाल लेंगे। ये अच्छे से लग गए हैं टैग अच्छे लग गए हैं। अब इसको जैसे पहले पकड़ा था सेंटर पॉइंट को, वैसे इसको भी पकड़ के इसको भी अच्छे से पकड़ लें, कस लें टाइट। अब जैसे पहले चोट मारी थी वैसे धीरे धीरे इसको चोट मारें और ये बॉडी बाहर आ जाएगी, बेयरिंग बाहर आ जाएगा बॉडी से। ये आ गया, बाहर आ गया, ये देखो बॉडी बिल्कुल सेफ है। ये बैरिंग की कॉर्ड बाहर आ गई अंदर से, ठीक है। अब इसी तरह दूसरे वाले बैरिंग को भी अपन वेल्ड कर देंगे, जो नीचे बॉल बैरिंग लगा हुआ है उसको भी वेल्ड करके, जैसे पहले वाले को निकाला था वैसे इसको भी चोट मार के निकाल लेंगे। ये वेल्ड हो रहा है, ये वेल्ड हो गया, इसको भी टाइट पकड़ लेंगे और जिस तरह पहले चोट मारी थी वैसे इसको भी आराम से चोट मार के ये बाहर निकल गई, ये दोनों बैरिंग बाहर निकल गए, ये बॉडी बिल्कुल सेफ है, बॉडी को कुछ नहीं हुआ है। बैरिंग दोनों ख़राब थे, बैरिंग दोनों कटे हुए थे, इनकी साइज घिसे हुए थे। ये देख बिल्कुल क्लियर है बॉडी, बॉडी में कोई तरह का खराबी नहीं है। अब ये अपन ने दो बैरिंग लिया है, जो पहले साइज थी उसी साइज के बैरिंग लिए हैं, ये बैरिंग नंबर है इसमें दिए हुए हैं। इस बैरिंग को पहले रोलर बैरिंग को पहले अंदर बिठाएंगे। बिल्कुल सीधा धीरे धीरे सीधा रख दिया और ये ऊपर से धीरे धीरे चोट मार के इसको अंदर बिठा दो। अब इसी साइज़ का ही कोई मैंडल ले लो, मैंडल से इसको आराम से बिठा दो। ये देखो ये आराम से बिठ गया। अब इसमें एक फ्री सिल्लू होता है, वो भी बिठाना पड़ेगा अपने को, ताकि दोनों बैरिंगों के बीच में बराबर गैप गैप रहे। वो ये फिर स्लो है और उसके बाद में ये टेपर रोलर का ये जो बैरिंग है बिल्कुल नया बैरिंग मंगाया है उसी साइज का, ये टेपर रोलर बैरिंग है, ये भी साइज सही है। तो पहले ये वाली ऊपर वाली कॉर्न पहले अंदर बिठा देते हैं अपन, ये बिठा दी और उस
उसी नाप के मैंडल से इसको पूरी नीचे बिठा देंगे। ये बैठ गया। अब ये सेंटर पॉइंट है, इस बैरिंग को ऊपर रख के ये जो सेंटर पॉइंट है ये भी इस पे एकदम सीधा रख के, और एक ऐसा कोई मैंडल लेना पड़ेगा जिसमें सुराख हो, ताकि अपना इससे ऊपर ठोकें तो पीटे हैं या मारे चोट तो इसका पॉइंट ख़राब ना हो, इसलिए हमें ऐसा सुराख वाला मैंडल लेना पड़ेगा और उसको लगभग आधा बिठा दो बैरिंग में। हाँ, अभी आधा बैठ गया है। तो क्या अभी अपने को इसमें ग्रीस देना पड़ेगा, नहीं तो क्या ये सूखे बैरिंग फिर ख़राब हो जाएंगे, जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए अपने को थोड़ा सा ग्रीस डाल दो अंदर और फिर अंदर ये बैरिंग। अब उसी मैंडल से वापस अब इसको और ऊपर से चोट मारेंगे तो ये पूरा बैरिंग बैठ जाएगा अंदर। ये बैठ गया, ठीक है ना। ये देखो अब आराम से मूवमेंट कर रहा है, अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसके ऊपर ये जो कैप है ये वापस अपन लगा देते हैं। इस कैप की वजह से ना तो इसमें डस्ट जा पाएगी और ना ये जो चिप्स वगैरह जो निकलते हैं वो भी इसमें नहीं जाएंगे, और उसकी वजह से बैरिंग वापस जल्दी ख़राब हो जाएंगे, इसलिए कैप ज़रूरी है। और ये कैप बिठा दी अपन ने और ये बिल्कुल अपना सेंटर वापस रेडी हो गया है, तैयार है। अब इसको हम अपन मशीन में लगा के देखते हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रीली चल रहा है, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।